हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू ऑप्शंस आर फेलोडर्म, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम एंड पेरिडर्म। सो द की कंसेप्ट हियर इज वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम एक टाइप का सेकेंडरी मेरिस्टम है। यानी ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। होता क्या है, जो मेडुलरी रेज होती हैं, वो डी डिफरेंशिएट कर जाती हैं और बना देती हैं आगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और दूसरी तरफ प्रेजेंट होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। जो कि प्राइमरी कैम्बियम है। अब ये दोनों कंबाइन करके बना देती हैं एक कंप्लीट कैम्बियल रिंग, जिसे हम कहेंगे वेस्कुलर कैम्बियम रिंग। ये वेस्कुलर कैम्बियम फर्दर इनर साइड पे बनाएगा सेकेंडरी जाइलम और आउटर साइड पे ये बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम। यानी सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज की फॉर्मेशन करता है वेस्कुलर कैम्बियम। सो क्वेश्चन में हमें पूछा है द वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव्स राइज टू। फर्स्ट ऑप्शन है फेलोडर्म। फेलोडर्म पेरिडर्म का पार्ट है, जो कि बनता है थ्रू कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम जो है ये, इसे फेलोजन भी कहते हैं। ये भी एक लेटरल मेरिस्टम या सेकेंडरी मेरिस्टम का ही पार्ट है। ये क्या बनाता है, आउटर साइड पे ये बनाता है कॉर्क, जिसे फेलम कहते हैं, और इनर साइड पे ये बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, फेलोडर्म। सो फर्स्ट ऑप्शन में यही बोला है फेलोडर्म। तो फेलोडर्म की फॉर्मेशन करता है कॉर्क कैम्बियम, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है प्राइमरी फ्लोएम। तो प्राइमरी फ्लोएम एक प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू है और इसका कोई रोल नहीं होता है सेकेंडरी ग्रोथ में, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड वन इज द सेकेंडरी जाइलम। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम एक तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाता है और दूसरी तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं। द लास्ट ऑप्शन इज पेरिडर्म। तो ये जो कॉर्क कैम्बियम से तीन लेयर्स बनी है अल्टीमेटली, इन सभी लेयर्स को कलेक्टिवली कहते हैं पेरिडर्म, जो कि बार्क का पार्ट है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, सेकेंडरी जाइलम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।